नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शहर, आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं कोटा से। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही, बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत को कोर्ट ने भेजा जेल। अब राजावत को अगली तारीख तक रहना पड़ेगा जेल। एससी एसटी सेशन कोर्ट जज ने दिया आदेश। कल डीएफओ को राजावत ने मारा था थप्पड़ और जिसके बाद नयापुरा थाना पुलिस ने किया था गिरफ्तार। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोटा से इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही, बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत की कोर्ट में आज पेशी हुई और कोर्ट के बाद जेल भेज दिया गया है। अब राजावत को अगली तारीख तक रहना पड़ेगा जेल में ही। एससी एसटी सेशन कोर्ट जज ने आदेश दिए हैं। कल डीएफओ को राजावत ने थप्पड़ जड़ा था जिसके बाद नयापुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के भवानी सिंह राजावत को जेल। इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अगली तारीख तक अब जेल में ही रहना पड़ेगा। एससी एसटी सेशन कोर्ट जज ने ये आदेश दिए हैं। कल डीएफओ को राजावत ने मारा था थप्पड़ जिसके बाद नयापुरा थाना पुलिस ने किया था गिरफ्तार। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केके शर्मा हमारे साथ। केके शर्मा, कोर्ट ने क्या क्या कहा और कब तक जेल में रहना होगा राजावत को? संजय, देखिए, आज भवानी सिंह राजावत को पेश किया गया था जिसके बाद में कोर्ट ने आदेश करते हुए जेल भेजा है। यानी अब भवानी सिंह राजावत को अगली तारीख तक जेल में रहना होगा और अब ऐसे में अब शनिवार और रविवार आगे दो छुट्टियां हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो हाई कोर्ट में जमानत लगाई जाएगी तो वो दिन सोमवार होगा। यानी अगली तारीख, अगली जो तस्वीर है वो सोमवार को साफ होगी। फिलहाल एससी एसटी कोर्ट में भवानी सिंह राजावत को नयापुरा थाना पुलिस ने पेश किया था जहां से कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए उसे जेल भेज दिया है। कोर्ट का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये किसी लिहाज से उचित नहीं है। जिस तरीके की बात अब तक हम तक पहुंची है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूं संजय कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। डीएफओ के चैंबर के अंदर, एक सरकारी अधिकारी के चैंबर के अंदर थप्पड़ मारने का जो संकेत है वो पब्लिक में गलत जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए भवानी सिंह राजावत की बेल को खारिज कर दिया और उसे जेल भेज दिया। फिलहाल कोटा पुलिस ने उन्हें जेल में दाखिल करवा दिया है और अब भवानी सिंह समर्थक और उनके जो परिजन है उनका कहना है कि अब सोमवार को हाई कोर्ट में बेल के लिए दोबारा से अप्लाई किया जाएगा और वो जयपुर हाई कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा। फिलहाल भवानी सिंह राजावत को किसी तरीके की रिलीफ जो थी वो कोर्ट से नहीं मिली संजय, और उन्हें अब आगे जेल में रहना होगा। अगले दो तीन दिनों तक उन्हें संभवतः जेल के अंदर ही। देखिए, इस पूरे मामले पर क्या भवानी सिंह राजावत के वकील की तरफ से भी कुछ कहा गया या फिर भवानी सिंह राजावत की तरफ से भी? देखिए, भवानी सिंह राजावत जब मजिस्ट्रेट जज साहब ने आदेश सुनाया और उन्हें जेल भेजने के लिए बात सामने आई तो वो एक बार विफर पड़े और उन्होंने इस पूरे मामले पर पुलिस के प्रति नाराजगी व्यक्त की और बताया कि ये एक पुलिस की गलत तरीके से फंसा है की साजिश है और इस पर वो एक बार वहां पर उखड़ पड़े भवानी सिंह राजावत। फिलहाल जो इनके वकील हैं उनसे हमारी बात हुई। वकील साहब का साफ कहना है कि जो जज साहब ने आदेश किया है वो फिलहाल हमें मानना होगा और आगे जो जमानत है उसके लिए कोशिश करनी होगी। तो फिलहाल तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। आज दोपहर 3 बजे के लगभग भवानी सिंह राजावत को कोर्ट के अंदर पेश किया गया था जहां से फैसला आदेश जो था वो सुरक्षित रखा गया था और कुछ ही देर पहले पूरी तरीके से तस्वीर साफ हुई, आदेश को जारी किया गया मजिस्ट्रेट द्वारा और उन्हें जेल भेजा गया। फिलहाल कोर्ट परिसर से उन्हें भारी सुरक्षा के बीच से और जेल में दाखिल करवाया गया है। इस दौरान एसटी भी तैनात रही। लगभग 3 से 4 घंटे तक कोर्ट परिसर जो था वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील रहा। क्योंकि एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शकों को पूरा पूरा घटनाक्रम आप बताएं, कल क्या हुआ था और किस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। संजय, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। डीएफओ यहां पर है रवि मीणा, जो जिनसे मिलने के लिए भवानी सिंह राजावत पहुंचे थे और केदार देवी मंदिर के पास में जो वन विभाग की जमीन से रास्ता निकलता है वहां पर रास्ता खराब होने के विवाद को लेकर के ये वहां पहुंचे थे और उसी दौरान जब समर्थक हंगामा कर रहे थे चैंबर के अंदर तो भवानी सिंह राजावत ने डीएफओ रवि मीणा के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया था जिसका वीडियो वायरल हुआ था। और उसके बाद में शाम को तकरीबन 7 बजे करीब डीएफओ की शिकायत पर नयापुरा थाने के अंदर एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें धारा 3 का उल्लेख किया गया था, साथ ही राजकार्य में बाधा, ये जो तमाम धाराएं इनके तहत मुकदमा दर्ज हुआ जिसके बाद पुलिस ने भवानी सिंह राजावत को कल शाम को हिरासत में लिया था। तकरीबन 7:30 से 8 के बजे के आसपास भवानी सिंह राजावत को हिरासत में लिया गया था और पूछताछ की अनुसंधान किया गया। उसके बाद में 10 बजे करीब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद में जब भवानी सिंह राजावत का स्वास्थ्य का हवाला देते हुए देर रात इन्हें अस्पताल एमबीएस के कॉटेज वार्ड में रखा गया था इलाज के दौरान, लेकिन जब आज जब पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए इन्हें ले जाने लगी तो जिनका मेडिकल चेकअप कराया था जहां डॉक्टरों ने इन्हें फिट घोषित किया उसके बाद में इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और जब पूरी दलीलें इनके वकील की तरफ से दी गई थी, 5 से 6 वकील थे जिन्होंने पूरी दलील दी, जिन्होंने कन्वेंस करने की कोशिश की, अपना पक्ष रखा भवानी सिंह राजावत का, लेकिन
कहीं ना कहीं अदालत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है कि बिल्कुल के आपने सही कहा, बिल्कुल धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, कल की तस्वीर आप देखें, पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये डीएफओ को थप्पड़ मारने की तस्वीरें हैं, इसी दौरान इसके बाद ये बवाल खड़ा हुआ था और उसके बाद आज फिलहाल भवानी सिंह राजावत जेल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर कल थप्पड़ जड़ने वाली, ये देखिए, और एक तरफ दूसरा ये मसला जिसमें कोर्ट की तरफ से भवानी सिंह राजावत को फिलहाल अगली सुनवाई तक जेल में भेज दिया गया है। SC ST एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ, डीएफओ को थप्पड़ मारा था इन्होंने और उसके बाद फिलहाल दो तस्वीरें आपके सामने, कल की तस्वीर जब दफ्तर के भीतर ये सब हुआ और एक तरफ आज की तस्वीर जब कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट में पेशी के बाद फिलहाल भवानी सिंह राजावत को जेल भेज दिया गया।